तो छठे एपिसोड की शुरुआत होती है जूलियन हॉकर की रिकॉर्डिंग से। हॉकर ने हसन से कहा, हम फिर मिलेंगे। आगे वो हसन को बताता है कि 14 जुलाई के दिन तुम्हारी जिंदगी पूरी ही तरह बदल जाएगी। इस शहर और इसमें रह रहे सभी लालच से भरे लोगों का खात्मा हो जाएगा। पहले धमाके में करीब 2 लाख लोगों की जान जाएगी, दूसरे धमाके में इसके दुगने लोगों की और तीसरे में इसके भी दुगने लोगों की जान जाएगी। जिधर सत्ता पर बैठे सभी लोगों की जान जाएगी और फिर शुरुआत होगी ऐसी दुनिया की जिसका इंतजार तारीफ के काबिल रहेगा। तारीख होगी 14 जुलाई। तुम अपने हिस्से का काम करोगी, वो सबसे अहम होगा। इन धमाकों का रोकना नामुमकिन है, इतिहास दर्ज हो चुका है। ये सारी रिकॉर्डिंग हसन अपने 2 ऑफिसर्स को सुना रही होती है, जिसे सुनकर एक ऑफिसर कहता है 14 जुलाई यानी आज। जिधर हसन उन्हें जूलियन हॉकर की तस्वीर दिखाकर बताती है ये 1941 में मर चुका है। हसन उसके बैंक हॉकर एंड कंपनी के बैंक की तस्वीर भी दिखाती है कि ये बैंक भी जूलियन हॉकर ने ही शुरू किया था। हसन अपने बॉस बाबर की तस्वीर दिखाकर बताती है कि ये मेरा बॉस, इसे जूलियन हॉकर का पर पोता है और इलाइस का पिता भी, और यही इलाइस को जेल से उड़ा कर ले गया है। इलाइस ने मुझे खुद कहा है कि ये ग्रुप कई बम धमाके करने वाला है। जिधर लेडी ऑफिसर हसन से कहती है कि अगर ये रिकॉर्डिंग 1941 की है, जो कि हिरोशिमा से भी 4 साल पहले की है, तो हमसे कोई मजाक कर रहा है। हसन कहती है ये धमाका आज यही होना है। लेडी ऑफिसर हसन को समझाती है इतना बड़ा बम धमाका ऐसे ही नहीं हो जाता, कई सालों की रिसर्च लगती है, एक पूरी लैब होती है और कोई भी यहाँ इस शहर में 40 सालों से इतना बड़ा बम नहीं छिपा सकता। तभी हसन को हॉकर के बैंक का ख्याल आता है कि ये लैब हो सकती है और यही बैंक में ये बम छिपाया गया होगा। वो लेडी ऑफिसर और हसन बैंक जाते हैं। रिकॉर्डिंग डिस्क के साथ हसन को एक पुरानी चाबी भी मिली थी। वो बैंक मैनेजर को चाबी दिखाती है। बैंक मैनेजर हसन को बताता है कि 6 मई 1941 को ये वॉल्ट हसन के नाम पर खोला गया था। यह सुन वो दोनों ही चौंक जाती है। जिधर हसन उस वॉल्ट को खोलती है और उसमें मिलता है उन्हें एक न्यूक्लियर बॉम्ब। तभी वॉल्ट की दीवार पर लगे फोन की घंटी बजती है। लेडी ऑफिसर के मना करने पर भी हसन फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ से बाबर कहता है बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है और तुम जानती हो रिमोट किसके हाथ में है, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो और वो घबराया हुआ है, यहाँ तक कि तुम उसकी मदद करोगी फैसला करने में। और बाबर हसन को अकेले मिलने के लिए बुलाता है। जिधर लेडी ऑफिसर भी साथ चलने के लिए हसन को मना लेती है। हसन एक बोट पर बाबर और इलाई से मिलती है। लेडी ऑफिसर हसन से अलग छुपकर उस बोट पर चढ़ जाती है और यहाँ हसन इलाइस को रिमोट देने के लिए समझाती है, पर बाबर इलाइस को जूलियन हॉकर की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें हॉकर इलाइस को समझाता है कि तुम और मैं एक ही है और तुम्हारे रूप में मैं जन्म लेता रहूंगा, तुम आगे चलकर मैं ही बनोगे, इसलिए तुम्हें ये काम करना ही है। जिधर हसन इलाइस को समझाने लगती है कि तुम ये बटन मत दबाना, तुम ऐसे नहीं हो, तुम बटन दबाओगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तभी लेडी ऑफिसर वहां आकर गोली चला देती है और बाबर को गोली मार देती है। वो इलाइस को भी गोली मारने वाली होती ही है, पर हसन उसे रोक देती है। इलाइस को अपने पिता के मरने का दुख हो रहा था, पर वो हसन को रिमोट दे देता है। इधर 2053 में हसन और प्रोफेसर गैब्रियल को पकड़ लिया जाता है। कमांडर मैनिक्स हसन से कहता है देखो हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे, मैं नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी मदद करी थी। और हसन कहती है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी थी, मैं ये नहीं भूलूंगी। हसन नेपल से पूछती है क्या तुमने इसे पूछा कि इसने मासूम लोगों की जान ली थी जिसमें मेरा बेटा भी शामिल था, क्या तुमने कभी इससे पूछा। हसन कहती है इलाइस मिलाओ नेपल से नजरे और कहो तुमने उन सभी लोगों की जान नहीं ली। नेपल कहती है आप ही थे कमांडर मैनिक्स यानी इलाइस। हाँ कहता है। तभी हसन अपने पीछे खड़े गार्ड की बंदूक छीनकर उसे मार देती है और मैनिक्स को भी गोली मारती है, पर दूसरे गार्ड के कारण गोली मैनिक्स के पैर पर ही लगती है। मैनिक्स गार्ड को हसन को मारने से रोक देता है और कहता है तुम इसे रोक नहीं सकती, और हसन के पेट पर एक गोली मार देता है और गैब्रियल से 1890 में जाने के लिए मशीन तैयार करने के लिए कहता है। गैब्रियल कहता है भले ही तुम मुझे मार दो पर मैं ये नहीं करूंगा। जिधर मैनिक्स कहता है तो तू जानता है कि तू मरेगा, पर इस हसन का क्या होगा ये तू नहीं जानता, थ्रोट को खोल वरना मैं वादा करता हूँ ये मरेगी। गैब्रियल 10 मशीन यानी थ्रोट को खोल देता है। मैनिक्स नेपल से कहता है कि मैं अपनी दुनिया को तुम्हें सौंप रहा हूँ, हमें बदलाव से डरना चाहिए न कि बदलाव को चाहना। उस बॉम्ब ने सिर्फ छीना ही नहीं बल्कि कुछ दिया भी था। नेपल कहती है यस कमांडर मैनिक्स और गन नेपल को देता है और कहता है तुम खास हो, और टाइम मशीन से चला जाता है 1890 में। इधर 1890 में हीलिंग हेड पत्रकार से मिलता है और उसे बताता है हॉकर ने कत्ल का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालने के लिए कहा है। पत्रकार कहता है पर कमिश्नर का बेटा तो मेरा सबूत है कि उस रात मैं उसके साथ था। हीलिंग हेड पत्रकार को बताता है कि उसने लिखित तौर पर बताया है कि उस रात वो तुम्हारे साथ नहीं था, मैंने ही उससे दस्तावेज करवाए हैं और कोई मेरे पास चारा नहीं था। पत्रकार हीलिंग से कहता है कि तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हीलिंग बताता है नहीं, मैं तो कहने आया हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ और कहीं भी जाकर शांति से जियो। पत्रकार हेनरी से कहता है हम मिलकर लड़ेंगे। हीलिंग हेड उसे बताता है तुम्हारी इसी जिद से ही तुम्हारी जान जा सकती है। ये सुन पत्रकार हीलिंग हेड को बुजदिल और कमजोर कहने लगता है। हीलिंग हेड उसे किस करता है और उसे समझाता है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते, तुम्हारी जेल जाने से पहले ही वो
वो तुम्हें मरवा देंगे। पत्रकार कहता है वो तुम्हें भी जीने नहीं देंगे, मेरे साथ चलो। मगर हीलिंग हेड कहता है कि मुझे इस मामले को पूरी तरह खत्म करना है और जाने लगता है। इधर 1941 में चार्ली हथकड़ी में पुलिस स्टेशन में उस ऑफिसर के सामने बैठा होता है जिसने चार्ली के सीनियर ऑफिसर को मार दिया था। वो पुलिस वाला चार्ली से कहता है तुम खड़े थे एक 68 साल की बूढ़ी औरत के सामने गन ताने। चार्ली कहता है उस हरामी औरत ने एक बच्ची को जहर देकर मारा था। जिधर वो ऑफिसर कहता है कि वो हरामी औरत मेरी माँ है। चार्ली के पास खड़ा पुलिस वाला चार्ली के एक मुक्का मारता है। फिर ऑफिसर कहता है अब फैसला तुम्हें करना है, मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सीनियर ऑफिसर और उस बच्ची के कत्ल का इल्जाम लगा सकता हूँ या ये गन गायब हो जाएगी जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। चार्ली पूछता है पर तुम ऐसा क्यों करोगे। वो पुलिस वाला चार्ली को बताता है हमारे ऊपर के तबके के लोग उनका मानना है कि तुम्हारी भूमिका अभी खत्म नहीं हुई है, कल सुबह इस ऑफिस के बाहर तुम्हारा नाम लिखा होगा चीफ इंस्पेक्टर चार्ली। चार्ली उसे कहता है बच्ची को मारने का आदेश किसका था क्योंकि ये तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम आदेश इधर से उधर ले जाने वाले लगते हो, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है जिसने तुम्हें आदेश दिया था। पुलिस वाला कहता है मेरे पिता जुलियन हॉकर को खबर कर दो कि मैं इंस्पेक्टर चार्ली को लेकर आ रहा हूँ। इधर बच्ची को मरवाने वाले का पता चलता ही चार्ली सामने पड़ी बोतल को अपने बंधे हुए हाथ से उठाकर दूसरे पुलिस वाले के सर पर मारकर सर और बोतल दोनों फोड़ देता है और फूटी बोतल को जुलियन हॉकर के बेटे यानी उस पुलिस वाले की गर्दन में घुसा देता है और चाबी लेकर अपने हाथ खोलता है, अपनी गन उठाता है और उस मरते हुए पुलिस वाले से कहता है ये उस बच्ची की तरफ से। और कैबिन से बाहर आकर चार्ली अपने पुलिस स्टेशन को एक नजर देखता है और अपनी जेब से अपना आई कार्ड निकाल कर टेबल पर रख देता है। इधर 1890 में विलियम हेड अपने ऑफिसर को एक एनवेलप देकर कहता है सर कातिल की सच्चाई इसमें दर्ज कर दी है। वो कहता है कनी ही थी, इसे यहीं छोड़ दो, अब ये मुद्दा यहीं खत्म हुआ। जिधर हीलिंग हेड घर जाकर अपनी पत्नी को अपने और पत्रकार के रिश्ते के बारे में सब बता देता है तभी पुलिस वाले हीलिंग हेड को गिरफ्तार करने आ जाते हैं और हीलिंग हेड की पत्नी को वो लेटर दिखाते हैं जिसमें उसने पत्रकार का नाम ना लिखकर अपना नाम लिखकर कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था और इस लेटर पर दस्तखत भी कर दिए थे। पुलिस वाले हीलिंग हेड को गिरफ्तार करते हैं और 1890 में लॉन्ग हार्वेस्ट लेन में मिली लाश का कातिल बना देते हैं। इधर इंस्पेक्टर चार्ली जुलियन हॉकर के घर पर पहुंचता है जहां वो बूढ़ी लेडी पोली जो हीलिंग हेड की बेटी थी वो पहले मिलती है। चार्ली को देखते ही वो कहती है मैंने उस बच्ची को आसान मौत दी थी। चार्ली तुरंत गन से उसके माथे पर गोली मार देता है। फिर वो ऊपर हॉकर के कमरे में जाता है। हॉकर उसे कुछ कह पाता पर चार्ली सीधा दो गोलियां मार देता है और जुलियन हॉकर खत्म हो जाता है। गन वहीं फेंक कर चार्ली आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। पुलिस आकर उस मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। वो बिना किसी हिचक के खुद को गिरफ्तार करवाता है। इधर 2023 में नेपल गैब्रियल और घायल हसन टाइम मशीन में जा चुके कमांडर मैनिक्स को देख रहे होते हैं कि तभी एक बचे हुए गार्ड की गन छीन कर गैब्रियल उसे मार देता है और नेपल और गैब्रियल एक दूसरे पर गन तान देते हैं। नेपल के कहने पर गैब्रियल गन फेंक देता है। गैब्रियल नेपल से कहता है कि मैं अतीत में जाकर ये लूप तोड़ सकता हूँ, मुझे कोशिश तो करने दो। गैब्रियल टाइम मशीन की तरफ दौड़ता है फिर मशीन के अंदर जाकर नेपल की तरफ देखता है। नेपल उसे रोकने के लिए कहती है। वो कहता है कि पकड़ सको तो पकड़ लो, तुम्हारा दिल तो पकड़ने का नहीं है। पर नेपल गोली चला देती है। गोली को धीरे धीरे गैब्रियल की आंख फोड़ कर अंदर घुसते हुए दिखाते हैं। जिधर गैब्रियल टाइम मशीन में गायब हो जाता है और आंख में लगभग पूरी घुस चुकी गोली वही 2053 में फर्श पर गिरती है और गैब्रियल की बिना कपड़ों की लाश अलग अलग समय में लॉन्ग हार्वेस्ट लेन में पहुंच जाती है। इधर 2023 में हसन फोन पर अपने पिता और बेटे से बात कर रही होती है कि पीछे इलाइस का बेटा होता है। हसन कार में इलाइस को जेल ले जा रही होती है कि इलाइस हसन से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला बाबर मेरा बाप है। हसन उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे बताया। इलाइस पूछता है तो वो जिंदा है। हसन कहती है हाँ वो जिंदा है। फिर इलाइस कार के बाहर औरतों को अपने बच्चों को घुमाते खेलते हुए देखता है। जिधर सीन कट होता है हसन इलाइस की माँ के घर पर अपनी कार रोक देती है और कार से बाहर जाकर दरवाजा खटखटाकर इलाइस की माँ से इलाइस से मिलने के लिए कहती है। इलाइस भी ये सब कार के अंदर से देख रहा होता है। वो भी अपनी माँ से मिलना चाहता था पर उसकी माँ ने मिलने से साफ मना कर दिया और दरवाजा बंद कर देती है। इलाइस का दिल टूट जाता है। वो अपने हाथ में रखी एक पर्ची खोलता है जिसमें कि एक नंबर लिखा था कि तभी कार के बाहर खेल रहे कुछ बच्चों के हाथ से फोन छीनकर वो भागता है और हसन उसके पीछे भागती है। थोड़ी दूर जाकर वो रुकता है और हसन को वहीं रुकने के लिए कहता है कि तभी बैंक में रखे बम को डिफ्यूज करने वाला ऑफिसर कहता है कि ये बम किसी रिमोट से नहीं बल्कि मोबाइल से जुड़ा है। जिधर इलाइस फिर कहता है कि वो मेरे बारे में सही कह रहे थे कि तुम बहुत खास हो। इलाइस मोबाइल का बटन दबा देता है और बम फट जाता है। सारा शहर धमाके से उड़ता हुआ दिखाया जाता है। जिधर सीन कट होता है तभी कमांडर मैनिक्स को नंगा एक गली में लेटे हुए दिखाया जाता है। बर्फ पड़ रही होती है। दो बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं। वो उनसे पूछता है कि ये कौन सा साल है। जिधर वो अपने हाथ पर बने तीन लकीरों को काटती एक लकीर के निशान को देखकर हंसने लगता है और इसी के साथ बॉडीज का छठा पार्ट खत्म होता है। सातवें पार्ट के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।